नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। संपूर्ण कार्यक्रम चालू आहे। या कार्यक्रमाला उपस्थित आमदार विभाग प्रमुख आणि संघटक अशोकजी मामून साहेब, उपविभाग प्रमुख सुनीलजी भाले साहेब, उपविभाग संघटक मीनाताई पानमल। नोटबंदी, जीएसटी, पेट्रोल का बढ़ता हुआ दर, इसमें गैस भी 950 रुपया हो गया है, बस से भी जाना लोगों को दुश्वार हो गया है, सब्जी महंगी हो गई, दाल भी 160 रुपया किलो हो गई है, तो लोग हैरान हो गए। ये जो परिस्थिति आई है उससे लोग बहुत हैरान हो गए, महंगाई से लोग त्रस्त हो गए। इसके लिए उनकी दिवाली अच्छी से जाए, दिवाली गोड़ हो जाए, इसके लिए हमारे शिवसेना की तरफ से हम लोग 5 रुपये में 2 किलो शक्कर बांट रहे, और जो 5 रुपये ले रहे उसमें भी ज्येष्ठ नागरिकों का आँखों का ऑपरेशन हम करके देंगे। हम हर महीने में 10 ऑपरेशन करते हैं, लेकिन इसमें और बढ़ोतरी कर देंगे। सर, राम मंदिर का मुद्दा काफी गर्म है, शिवसेना के कई बड़े नेता उधर जा चुके हैं, आपकी किस तरह की भूमिका रहने वाली है? सर, राम मंदिर का मुद्दा ये पहले से किसी का नहीं था, ये सिर्फ हमारे बाला साहेब ठाकरे का ही था। जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तो एकमेव इंसान था जो बाला साहेब ठाकरे महापुरुष थे, उन्होंने बोला था अगर हमारे कार से उन्होंने ये तोड़ा होगा तो उसका मुझे गर्व है, हम हिंदू हैं, हम हिंदू का गर्व है। और इसके लिए वो मुद्दा ही हमारा, हिंदुत्व का मुद्दा ही हमारा। आज कोई भी आके एडवर्टाइज करने से नहीं होता है, लोगों को पता है कौन है। इसके लिए वो उन्होंने आज तक मंदिर बांधने के, लेकिन तारीख नहीं बताई, हम तारीख भी बताएंगे और मंदिर भी बांधेंगे। आप खुद जाने वाले हैं? सब हम सब लोग जाएंगे, हर एक हर एक आमदार के क्षेत्र से लोग एक एक ट्रेन भर के जाएंगे।